वेलकम इन हैप्पी किचन विद रक्षा। आज हम आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आए हैं। तो ये रेसिपी हमारी रक्षाबंधन स्पेशल है। तो चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं एक खास टिप्स और ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 बाउल शुगर लिया है और उसमें 1 बाउल ही हमने वाटर ऐड किया है। तो बस इसे चीनी गलने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारी चीनी गल जाएगी तो हम इसमें 2-3 मिनट और पकाएंगे। बस अभी हमारी चाशनी तैयार है तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बस ये थोड़ी चिपचिपी हो जाए। इसे एक तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल ये दोनों उंगलियों के बीच में चिपकने लगे। तो बस अभी रेडी है। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे एक साइड रख देंगे। तो चलिए अब हम अपना गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे मावा यानी खोआ। ये थोड़ा सा हार्ड था तो मैंने इसे क्रश कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप कोशिश करिए कि आपका जो मावा हो वो सॉफ्ट हो। तो फिर अब हम इसे अच्छे से मैश करके सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक हमारी खास टिप्स है कि हमने इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड किया है, यानी कि हमारा यहाँ पे 250 ग्राम मावा था तो हमने यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग पनीर ऐड किया है। उसे अच्छे से हाथों से मलते हुए चिकना बना लेंगे। और उसके बाद मावे में ऐड करके अच्छे से मलते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। याद रखिएगा, हमें मावे को बहुत ही अच्छे से मसलते हुए तैयार करना है ताकि जब हम रसगुल्ले बनाएं तो उसमें क्रैक ना रहे। तभी हमारा पनीर जो है क्रम्बल हो गया है और हम इसे अपनी मावे में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। और तीन बड़े चम्मच मैदा यूज़ किया है। मैदा यहाँ पे कम या ज़्यादा लग सकता है, जैसा आपका मावा होगा उसी हिसाब से आपका मैदा यूज़ होगा। जैसे वो ज़्यादा गीला है तो उसमें मैदा ज़्यादा लगेगा, ड्राई है तो कम लगेगा, वो उसी पे डिपेंड करता है। तो आप इसे अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। यहाँ पे मेरा जो मावा है वो ड्राई लग रहा है तो यहाँ पे मैंने पानी के छींटे से इसको गूंथा है। आप यहाँ पे मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूध से भी आप इसको सान सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से गूंथ के रेडी करूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाएंगे और बीच में कभी कभी गुलाब जामुन में गाँठे पड़ जाती हैं तो वो गाँठे ना पड़े नहीं, इलायची दानी का यूज़ किया है। तो इसे अच्छी तरह हाथ से मसलते हुए पहले तो चिकना करेंगे, उसके बाद इसके अंदर इलायची दाना डाल देंगे ताकि बीच में गाँठे ना रहें। आप इसकी जगह पे कोई भी स्टफिंग कर सकती हैं ड्राई फ्रूट्स की। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखा है गुलाब जामुन को, तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं किया है। ये केवल इसलिए है कि इसमें गाँठे ना पड़े। तो बस अब इसे ऐसे करते हुए हाथ से दबाते हुए अच्छा चिकना गोला बनाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गोले में एक भी क्रैक ना हो, नहीं तो वो कढ़ाई में जाके फट जाएंगे। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक गोला बनाइए और अपनी
हल्के गरम ऑयल में उसको डाल के ट्राई कर लीजिए। अगर वो फटता है तो इसका मतलब है कि आपके आटे में मैदे की कमी है, तो आप उसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैदा और ऐड करके अच्छे से मिक्स करके अच्छे से गूँथ लेंगे। और अगर ये परफेक्ट आता है तो कोई बात नहीं, तो आप इसे अच्छे से चिकनी गोली बनाएंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह। और बस इसी तरह हम कई सारी गोलियाँ रेडी कर लेंगे। और जो हमने ऑयल गैस पे रखा है वो ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होगा, उसे हल्की धीमी आंच पे हमें पकाना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, या बहुत है तो आप मीडियम कर सकते हैं, हाई नहीं रखना है। और आपको स्लो गैस पे ही धीरे धीरे गुलाब जामुन को फ्राई करना है। उसमें भी आपको गुलाब जामुन कहीं से भी टच नहीं करना है, आपको ऑयल को ही हिलाना है, वो अपने आप ही घूमते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। आप इस तरह कढ़ाई से भी हिला सकते हैं, या आप अपनी करछी से इस तरह ऑयल को हिलाते रहेंगे ताकि उसमें एक मूवमेंट होती रहे और बॉल्स जो हैं वो अपने आप ही मूव होते रहेंगे। तो बस इस तरह करते हुए इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। आपको ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही धीरे धीरे आप इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। और बस अब ये हो गया, तो इसे हम यहाँ से निकाल के अपने सीढ़े में डाल देंगे, यानी कि चाशनी में डालेंगे। और चाशनी भी हमारी थोड़ी गर्म रहनी चाहिए, और हमें गुलाब जामुन को 2 घंटे के लिए चाशनी में डूबे रहने देना है। तो बस ये गुलाब जामुन अभी रेडी है, और इस रक्षाबंधन आप अपने भाई को गुलाब जामुन खिलाइए। कुछ बातों का ध्यान रखना है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो, गोलियां बनाते समय क्रेक ना हो, ऑयल हल्का गर्म हो, ज़्यादा तेज गर्म ना हो, और चाशनी बस केवल हाथ में चिपकने वाली हो। और इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे और उसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और बस 2 घंटे बाद ये खाने लायक बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इस रक्षाबंधन अपने भाइयों को रसगुल्ले ज़रूर खिलाएं।